पहले ठीक ठाक है ना, अमन है ना, अमन भी होना चाहिए भाई, क्योंकि क्या खूब खाए शायर ने, अपना काम बनता बाढ़ में जजन तो। तो भाई इसी फॉर्मूले को लेके हम आगे चलेंगे। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। हाँ तो यार यार अपनी हयाबुसा काम करवाना है। हयाबुसा भी काम बहुत निकाल रही है। ओ आपको दिखाना भी हयाबुसा, चलिए आपको हयाबुसा दिखाता हूँ। दिल थाम के बैठे हैं आपके कमज़ोर दिल वाले लोग, ये वीडियो ना ही देखें तो बेहतर है। दिल को ठंडा पड़ गई है भाई हमारे लिए, तो यही हयाबुसा है। हयाबुसा बोला मैंने जा भैया हमारे लिए तो यही हयाबुसा है। तो यार इसका भी काम वाम करवाना है, असल में इसकी ट्यूनिंग और ऑयल चेंज करवाना है। तो अभी सदर चलते हैं और इसका काम करवाते हैं। चलें आप भी साथ चलेंगे? चलें चलें। इसकी तो टायर भी पंचर हो गया भाई जान, और इसके रफ्ते वफ्ते टायर हो गए, टायर शायद निकल गया, इसकी रफ्ते खराब हो गई, वो पंचर लग रहा है। लंबाई फटीक एकदम ही फटीक पड़ी है सारी, मैं मैकेनिक के पास जा गया आप लोगों को। चाय वाय पी रहा हूँ, ये बाइक बाइक लगी है, अभी बाइक का काम वाम कर रहा है, लगी है बस भाई आ रहा है, चाय शाय पी के फिर काम वाम कर रहा है। ये काम वाम हो रहा भाई, उस्ताद काम कर रहे हैं, करने के बाद हो गया यार बस सारा काम हो गया। ये भाई जान अभी बड़े काम कर रहे हैं, थोड़ा सा काम रह गया, थक गया यार बैठ कर। उस्ताद कितना काम रह गया? हाँ उस्ताद कितना काम रह गया? कितना काम रह गया? बस थोड़ा सा रह गया, बस अभी काम वाम करवा के फिर निकल। हाँ तो भैया घर पे आ गए हैं यार, बहुत खबारी हुई है। असल में कम अज़ कम मैं पहुँचा हूँ मैकेनिक के पास 4 बजे पहुँचा हूँ, और अभी अभी घर पे आया हूँ, और अभी खाना वाना खाया है। मैकेनिक भी ना असल में बहुत हरामी होते हैं, खबारी करवाते हैं। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? उनको भी कोई 1 घंटे का काम हो, कम अज़ कम 2 घंटे लगाते हैं। तो यार उन्होंने खबारी कर दी, और कुछ और भी काम था उस रास्ते के अंदर जाते जाते बाइक भी पंचर हो गई, और फिर बाइक का पंचर लगवाया। तो जब भी कोई काम करवाने जाओ अंदर बीच में, इतनी वो होती है मुसीबत। ये आप लोग के साथ भी हुआ हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो यार अभी मैं घर पे हूँ, खाना वाना खाया, तो आपको मिलता हूँ फिर मैं आ गया। अच्छा भला मैं घर प्रेस करता, इस आदमी ने मेरे को बुला लिया, बोलता है ओ शापर तनुनी क्या, तनुनी क्या, वो पिछले नु क्या ओ शापर यू मेरे घर पे आओ। मैं 3 बजे से लेके अभी भी आया था, 7:30-8 बजे घर पे आया हूँ। इसने मुझे बुला लिया, बोलता मेरे घर पे आओ, मैं ना कल जा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, अभी मैंने घर पे सुन लगा हूँ, फिर मैं अभी आप लोग कल मिलता हूँ। वेलकम बैक जी, उठे हैं डरामू की तरह सुबह सुबह। माँ जी परोठा बना दो। कपड़ा डाल देते हैं, अभी परोठा वरोठा खाते हैं, परोठा भी खाते हैं, और सुबह सुबह उठे हैं, फिटकार सही पड़ी है मुझे। अभी यार छुट्टियां हैं ना, तो कॉलेज के अंदर तो सुबह सुबह उठना पड़ता था, तो मैंने बोला नींद ही पूरी कर लो अपनी, तो नाश्ता वाश्ता दिखा के फिर आप लोग खाते हो। हाँ तो भाई ये नाश्ता आ गया यार, अभी नाश्ता वाश्ता करना है। पराठा बनवाया, साथ में सालन हो ना, ये आलू का सालन हो, मज़ा आ जाता है बहुत यार। तो पराठा बनवाया साथ में, तो खाने के बाद आप लोगों को मैं मिलता हूँ। ओके हाँ तो भाई कुछ काम है यार, बाहर कुछ काम, सामान लाना है बाहर से, तो चलो हमारे साथ चलो सामान लाए बाहर से। जी बोलो। एक मैक्रोनी और स्पेगेटी का पैकेट भी लाओ। लो भाई आम आ गया, पर देखो चलो
सामान ला के आप लोगों को गली में जा रहा हूँ, आप लोगों को मैं सामान लेके मिलता हूँ। यार देख लो सामान ले लिया, ये अभी घर पहुँच के फिर आप लोग आधा खोलो भाई, ये सामान लिया यार अभी घर पहुँचे हो, शुक्र ऊपर से नीचे आ गया। हेलो अंदर जाओ भाई, अंदर आवे, अंदर जाओ, सामान ले लिए। हेलो भाई सामान खड़ो, चलो तो यार अभी एक मिनट लाइट ऑन कर लें। ओ भाई चलो तो यार अभी इधर ही ब्लॉग एंड करते हैं, उम्मीद है आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, सब कुछ कर दें यार, और सब्सक्राइब भी कर दें, सब्सक्राइब नहीं आप लोग कर रहे हैं तो भाई मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।